सोलन में डायनेमिक इंडिया युवा मंडल की ओर से आयोजित 16वें हिमाचल उत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या स्कूली बच्चों के नाम रही। इस अवसर पर खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया व बघाट चेयरमैन पवन गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का आगाज मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर दिया गया। इस अवसर पर युवा मंडल के सदस्यों द्वारा मुख्य अतिथि को टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिससे वे अपनी प्रतिभा को सबके सामने पेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में सभी वर्गों के लोगों को लाभ मिलता है। शूटिंग मेले की तरह यहाँ सारा वातावरण है, बल्कि एक बच्चे ऊंट की सवारी भी यहाँ पे कर रहे हैं, एक नई चीज देखने को मिली। यानी कि क्लब, उस क्लब ने बीड़ा उठाया, अपने इर्द गिर्द जो प्रतिभा छुपी उस प्रतिभा को उभार कर किस तरह से बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाएं, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। मैं इनको सशक्त बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने इस मंच पर ऐसे ऐसे कलाकारों को मौका दिया है जिन्हें कहीं मौका कम मिलता है, उनको यहाँ पर खुलकर मौका मिलता है, अच्छे से अच्छे कलाकार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और मेले के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ पर व्यापार मेला लगता है, यहाँ पे फूड मेला लगता है, यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए झूले द्वारा लगाए जाते हैं और अन्य जो प्रतियोगिताएं जो उसके द्वारा कराई जाती है, जिससे यहाँ के युवाओं को एक मंच प्रदान इनके द्वारा किया जाता है।